देखिए, जींद विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है और जो वहाँ से इनेलो के विधायक थे डॉक्टर हरिचंद बिड्डा, उनके अकस्मात निधन की वजह से, तो मैं जींद की चर्चा करूँगा, जींद विधानसभा के उपचुनाव की। जींद से मेरा लंबा लगाव रहा है, मैं पैदा जींद में हुआ, मेरी शिक्षा जींद में हुई और मैंने जींद से पत्रकारिता शुरू की। मैं जब गवर्नमेंट कॉलेज जींद में बीकॉम सेकेंड ईयर का छात्र था तब मैं इंडियन एक्सप्रेस अखबार का पार्ट टाइम रिपोर्टर बन गया था और लंबे अरसे तक मैं जींद में रहा। 10 वर्ष तक मैंने 77 से 87 तक इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर के नाते वहाँ पत्रकारिता भी की। देखिए, अभी तो कुछ समय बाद हरियाणा विधानसभा के चुनाव भी होने वाला ही है, तो उससे पहले ये एक सप्लीमेंट्री एग्जाम आ गया, समझ लो कि मुख्यमंत्री के लिए भी आ गया और विपक्षी पार्टियों के लिए भी आ गया। और हालांकि एक उपचुनाव के नतीजे का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक पर्टिकुलर एरिया का चुनाव होता है, फिर भी माना जाता है कि भाई इसके जो चुनाव परिणाम होंगे वो विधानसभा के चुनाव को प्रभावित करेंगे। अब इसमें आता है, इसमें सबसे बड़ा टेस्ट एक तो मुख्यमंत्री का टेस्ट हो गया, क्योंकि वो इतना प्रचार कर रहे हैं कि 4 वर्ष में हमने बहुत काम किया है, बहुत विकास किया है और लकली उनके लिए 5 निगमों के मेयर भी जीत गए और वो चाहेंगे कि किसी भी तरीके से इस चुनाव को जीत के हम प्रधानमंत्री को दिखा सकें और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी कह सकें कि जनता हमारे साथ है। तो उनके लिए, मुख्यमंत्री के लिए बहुत ही प्रतिष्ठा है। देखिए, अगर ये इनमें आपस में विभाजन ना होता तो ये पार्टी और BSP का इनके साथ अलायंस था, ये मजबूत कैंडिडेट बनता था। और जींद में लोकदल का पहले MLA दो लगातार टर्मों से मीटर साहब MLA रहे हैं, ये अच्छा प्रभावी बनता। लेकिन अब चूंकि इनका आपस में विभाजन हो गया है तो इसलिए इन दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि तो दोनों में जीते बेशक ना जीते जो ज़्यादा वोट ले जाएंगे दूसरे से, रेस उस बात की भी होगी, वो कह सकता है लोग हमारे साथ हैं। और ये जो दुष्यंत की पार्टी, इसकी तो बड़ी अजीब स्थिति हो गई है, अभी चुनाव निशान भी नहीं मिला। मतलब क्या, देखिए, दुष्यंत चौटाला के लिए तो ये जींद विधानसभा का उपचुनाव बहुत ही प्रतिष्ठा का सवाल है। अब उनकी सभाओं में नारे लगते हैं, आया आया CM आया, और जब उनकी माता नैना जी आते थे, आई आई CM की मम्मी आई, तो उनको ये प्रूव करना है यहाँ पे वो उनका उम्मीदवार, मैं नहीं समझता कि जीतने की स्थिति में होगा, लेकिन वो ये जरूर चाहेंगे कि एक सीजेबल सेक्ट वोट ले जाके दिखा सकें कि हमारे साथ लोग हैं और जो विभाजित लोकदल में असली दावेदार हम हैं। उन्हें ये साबित करना है कि लिगेसी जो चौधरीवाल के वो हमारे साथ है, मेरे चाचा भी चौधरी के संधि। तो बताता हूँ, वहाँ पे पहले कभी बनिया जीते रहे, फिर पंजाबी भी हैं वहाँ पे, और ग्रामीण इलाका लगता है तो देहात का इलाका भी साथ पड़ता है। पर ये जो चुनाव हो रहा है उसमें ना तो कोई मुद्दा है ना कोई पॉलिसी है, ये 100% कास्ट बेस पे हो रहा है। हर पार्टी जातीय गणित जोड़, जैसे ड्राइंग रूम में बैठ के जोड़ गणित करते हैं, इतने बनिया हैं, इतने पंजाबी हैं, इतने OBC हैं, जोड़ लो इतने हमारे पास हैं, उस हिसाब से सभी लोग दे रहे हैं। और आपने दुष्यंत का पूछा तो ये राजकुमार सैनी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, उन्होंने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है, विनोद आश्री, वो पहले चेयरमैन रहे हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कमेटी जींद के, तो वो भी जीतने की स्थिति में मुझे लगता है, पर वो भी चाहेंगे हमारी बहुत सारी वोटें आ जाएँ ताकि आगे विधानसभा चुनाव में हमारा कुछ बन सके। तो ये सबसे मनोरला ज्यादा बीरेंद्र सिंह के भी ना का सवाल है कि वो कितने, क्योंकि अब ये आमतौर पर माना जाता है कि जाट मतदाता भाजपा से नाराज हैं, ये आम परसेप्शन है, और बीरेंद्र सिंह उनको किस हद तक प्रभावित करता है। अब जैसे मेरा तो ये मानना है कि जो बीरेंद्र सिंह का उचाना के अलावा कहीं जाटों में प्रभाव नहीं है, क्योंकि पिछले चुनाव में भी मोदी जी प्रधानमंत्री बन चुके थे, अमित शाह ने रैली की जिसमें ज्वाइन किया बीरेंद्र सिंह ने, और ये भी था कि बीरेंद्र सिंह CM भी बन सकते हैं। उनके कहने में 5 सीट मिली थी विधानसभा की, सिर्फ उनकी पत्नी 5,000 वोट से जीत पाई, प्रेम रहता जी चाइना से, जो कि जाट डोमिनेटेड हल्का है जहाँ से उनके बीरेंद्र सिंह के पिताजी भी रहे, बीरेंद्र सिंह इतने बार MLA रहे, वहाँ पे करीब 50-60% के जाट वोट रहे, सिर्फ 5,000 से जीतना साबित करता है कि उनके अपने हल्के में भी जाटों में प्रभाव बहुत कम है। अब ये देखना है कि जींद में वो जाटों के वोट कितने दिलवा पाते हैं, क्योंकि पंजाबी वोटों के तो मुख्यमंत्री मनोहर खुद हैं, मतलब के, और ये उन्होंने साबित भी किया इन नगर निगम के चुनाव में कि पंजाबी वोट में ट्रांसफ़र करवा सकता हूँ। देखिए, अभी तक हरियाणा में वोट ट्रांसफ़र करवाने की कैपेसिटी सिर्फ चौधरीवाल में थी। 87 का जो इलेक्शन था हसनगढ़ एक हल्का रोहतक जिले में, उस वो जाटों का हल्का है, 60% जाट है, उन्होंने ओपरा भारद्वाज एक ब्राह्मण को जितवा दिया देवाल ने, उसके बाद वोट ट्रांसफ़र करने की कैपेसिटी किसी में नहीं आई। या मायावती की है वो हरियाणा में इतनी नहीं है, UP में है या और राज्यों में है, कि वहाँ कोई मेरे को नहीं लगे। मैं बताता हूँ आपको, ये मेरा मानना है कि वहाँ पे 5-4 कैंडिडेट होंगे, अल्टीमेटली 2 पार्टियों में मुकाबला आ जाएगा और अच्छे मर्दों से जो भी जीतेगा, एक तरफ पोजीशन हो जाएगा, और अनफॉर्चुनेटली ये पोजीशन कास्ट के बेस पे होगा। मैं कोशिश इसमें जींद उपचुनाव में कोई लंबा चुनाव नहीं।
फिर देखिए अगर भाजपा जीत जाती है तो मनोहर लाल डंके के चोर पे कह सकते हैं कि मैं पॉपुलर हूँ, और मैंने जींद जो कभी नहीं जीती भाजपा जींद से, सन 2000 में जब जो जो अलायंस भी हुआ 87 में अलायंस हुआ देवधार के साथ और 94 में बंसल के साथ अलायंस हुआ, टिकट नहीं मिली। 2000 में जो चौटाला के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था भाजपा को टिकट मिली है, हालांकि चौटाला टिकट देना नहीं चाहते थे, भाजपा के लाला रामेश्वर दास ने चुनाव लड़ा। वो चौटाला साहब ने क्या किया, अपने एक व्यक्ति को इंडिपेंडेंट खड़ा करवा दिया, तो बीजेपी के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई थी। तो अब अगर भाजपा वहाँ से चुनाव जीत जाती है तो मनोहर लाल के लिए तो बोनस होगा, और वो कह सकते हैं पर मोदी जी को भी कहते हैं मैंने निगम के चुनाव भी जिता दिए, विधानसभा के चुनाव भी जिता दिए, और इसका वो बड़ा प्रचार का फायदा लेंगे। अब रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस में पहले तो टिकट में ही दो ग्रुप हैं, तंवर चाहेंगे उसके बंदे को टिकट मिले, हुड्डा चाहेगा उनके कहने से टिकट मिले। अगर कांग्रेस वहाँ से जिता ले जाती है तो कांग्रेस को इसका बड़ा लाभ मिलेगा, वो कहते हैं हमने देखो आमतौर पर उपचुनाव सरकार का होता है, विपक्ष में रहते हमने चुनाव जीता है। और रही बात इनको चाचा भतीजा हमें चुनाव दुष्यंत में कितने वोट कौन सा ले जाता है उसके हिसाब से इनका आगे भविष्य प्रभावित होगा।